नमस्कार दोस्तों, मैं सुजीत कुमार आईबीटी एक्सेल स्कूल से आपका स्वागत करता हूं हमारे इस वीडियो ट्यूटोरियल में, जहां आप सीखेंगे वीवीए माइक्रो पावर प्रोग्रामिंग। एक छोटी सी इंफॉर्मेशन लेके आया आपके लिए। एक स्टूडेंट ने मुझसे पूछा था, बेसिकली इसके पास डेटा है और इस डेटा को वो लुकअप करना चाहता है दूसरे शीट। जैसे यहाँ पे वन लिखे तो यहाँ 1001 लिखे तो यहाँ पे डेटा आ जाए। तो इसके लिए बहुत से लोग बोलेंगे कि वी लुकअप लगा लीजिए, एक्स लुकअप लगा लीजिए। चलिए मैं वी लुकअप लगा लेता हूँ, एक्स लुकअप तो सबसे इजी नहीं होता है, इसलिए वी लुकअप लगा है। कॉमा कर्ली ब्रैकेट में मैंने यहाँ पे 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 और यहाँ पे कॉमा 0 करते, एंटर प्रेस कर दिया तो रिजल्ट आ गया, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। पर प्रॉब्लम ये है कि हम वी लुकअप नहीं लगाना चाहते। जी हाँ, हम चाहते हैं कि कोई फॉर्मूला यहाँ ना लगे, किसी भी तरह का फॉर्मूला यहाँ ना लगे। और जैसे मैं यहाँ पे कोई आईडी टाइप करके एंटर करूं तो यहाँ पे पूरा का पूरा रिकॉर्ड्स आ जाना चाहिए। जी हाँ, बिना किसी फॉर्मूले के। अब शुरुआत में जिन्होंने देखा होगा सोचा वैसे वी लुकअप सिखा रहे हैं, नहीं, वी लुकअप नहीं सिखा रहा हूं, एक तरह से वी लुकअप ही सिखा रहा हूं, लेकिन हम इसका यूज वीवीए माइक्रो प्रोग्रामिंग के साथ करेंगे। इसको हम लोग कहते हैं इवेंट माइक्रो प्रोग्रामिंग। बहुत अच्छी वीडियो है, एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो लाइक जरूर कीजिएगा। और हाँ, मेरा नंबर मोबाइल में नोट कर लीजिए, व्हाट्सएप पे हाई लिख के भेजिए। तो यहाँ हम चलते हैं विजुअल बेसिक पे और यहाँ लुकअप वाले सीट पे आते हैं। और लुकअप वाले शीट पे आने के बाद मैं यहाँ पे वर्कशीट, और यहाँ सिलेक्शन चेंज नहीं, यहाँ पे हम चेंज करते हैं। तो ये इवेंट हमने सिलेक्ट कर लिया, यहाँ पे हमने जिस जिस पे हमारे वर्क चाहिए फीचर, उस पे हमने उसके सीट पे गए और उस सीट के यहाँ पे वर्क बुक, और यहाँ पे हम चेंज, इवेंट जो है हमारा चेंज है। अब यहाँ हमें एक छोटा सा एप्लीकेशन की सेटिंग चेंज करना होगा कि एप्लीकेशन डॉट अनेबल इवेंट्स और इसको इक्वल टू हम फॉल्स कर दें। और इसी चीज को हम नीचे लाएंगे और यहां पे हम कर देंगे इसको ट्रू ट्रू। ओके, अब यहां पे कंडीशन होगा कि इफ टारगेट, जिस पे हम टाइप करेंगे वो टारगेट कहलाएगा, टारगेट डॉट एड्रेस, एड्रेस रो रो एक कॉलन होगा, कॉलन इज इक्वल टू 1, क्योंकि हम जहां टाइप करेंगे वहीं पे वर्क होगा, लेकिन वो हमारे पहले ही कॉलम में टाइप करना है, इधर उधर टाइप करेंगे तो वर्क ना करे, सिर्फ पहले कॉलम में टाइप करें, इसलिए हमने यहाँ पे बोला कि उसकी कॉलम 1 होनी चाहिए। अब यहाँ सिंपल सा हम जो है लगाते हैं फॉर्मूला, क्या लगाते हैं फॉर्मूला, तो यहां लिखते हैं टारगेट डॉट ऑफसेट 0,1 डॉट वैल, जहां पे टारगेट है उसकी अगली कॉलम, इक्वल टू, अब यहां पे अंडरस्कोर लगा के एंटर मारते हैं, तो स्पेस दे के अंडरस्कोर मारना पड़ेगा। अब यहां पे लगाते हैं एप्लीकेशन, हाँ एप्लीकेशन, क्योंकि वी लुकअप डायरेक्ट सपोर्ट नहीं करेगा, इसलिए वर्कशीट फंक्शन डॉट वी लुकअप। वी लुकअप में हम यहाँ पे लुकअप वैल्यू कौन सा है, तो हमने बोला हमारा टारगेट है, टारगेट डॉट वैल, और उसके बाद रेंज है हमारा सीट, सीट्स के अंदर डेटा, और डेटा के अंदर हम देते हैं रेंज, और रेंज कौन सा है तो ए से लेके एन, ए से लेके एन, और यहाँ पे कॉमा 2,0। अब इसी को कॉपी कीजिए, यहाँ पे पेस्ट कीजिए, और ये ऑफसेट के यहाँ पे हो जाएगा, हमारा हो जाएगा 2 और यहाँ हो जाएगा कॉलम नंबर 3, सॉरी कंट्रोल जेड, यहाँ जाएगा 3 और यहाँ पे ये यह आ जाएगा हमारा 4।
अब इस तरह से एक एक करेंगे तो दिक्कत हो जाएगा। चल तो इसको हम लूप में डाल देते हैं। हम लिखते हैं कि फोर चले आई इक्वल टू 1 2, कितना कॉलन है ये हमारा 30, 1 2 30। और नेक्स्ट आई, और यहां हम दे देते सिंपल सा आई, और यहां हो जाएगा आई प्लस वन, सिंपल सा। अब देखिए मैं यहां 1102 का इंटर मारा, डेटा आ गया, इसको फॉर्मेट से कर देते हैं सिंपल सा 1103, 1104, 1105, 1106। तो इसमें कोई फॉर्मूला आने लगा है, और यहां पे कुछ भी टाइप करेंगे तो यहां नहीं आएगा, आप अगर पहले कॉलम में टाइप करेंगे तो ही आएगा। अब इसमें हम जो है प्रोटेक्शन लगा देंगे कि भाई हम टाइप जो है पहले ही कॉलम में कर सकते हैं, बाकी कॉलम में टाइप नहीं कर सकते हैं, ऐसी चीजें भी हम यहाँ लगा सकते हैं। अब यहाँ पे कुछ लोग सोच रहे होंगे सर आपने जो कोड लिखा अब उसको नकल करके तो आप यूज कर सकते हैं, लेकिन हमने फोर क्यों लगाया, टारगेट क्यों है, ऑफसेट क्या कर रहा है, ये सब चीजें के बारे में सीखनी है। इसके लिए आप हमारी वीवीए का कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, वीवीए का कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए ऐसे अगर हम वीवीए कोर्स की बात करें, एक बहुत ही मजेदार ऑफर आपको लिए, आप लोग प्लीज रहिएगा। तो अगर वीवीए माइक्रो प्रोग्रामिंग की हम बात करते हैं तो वीवीए का कोर्स तकरीबन 1.5 से 2 महीने का है। मैं कोर्स कंटेंट भी ये हमारा वीवी माइक्रो का कोर्स, ये बेसिकली एक्सपर्ट लेवल की क्लासेस है, 45 से 55 घंटे की चलती है, मंडे टू फ्राइडे 45 मिनट का बैच होता है, जिसमें आप बेसिक माइक्रो अप्लाई कंडीशन लूप्स इवेंट और ये सारी चीजें कवर करते हैं, पूरा का पूरा यूजर फॉर्म पूरा कवर होता है वीवी माइक्रो का। लेकिन कुछ स्टूडेंट है जो बोलते हैं सर फीस आपकी बहुत ज्यादा है, तो इनके लिए मैं महीने में 1 तारीख को हमेशा एक बैच बनाता हूँ। जी हाँ, तो ग्रुप बैच होता है, 10 लोग के आसपास होते हैं उसमें, और उस बैच में हम देते हैं 80% का डिस्काउंट। जी हाँ, 80% का डिस्काउंट होता है उस बैच में। तो एक्सेल के लिए भी है और वीवीए के लिए भी। तो इसमें जो है कंप्लीट आपको माइक्रो प्रोग्रामिंग, एमएन माइक्रो प्रोग्रामिंग, फंक्शन क्रिएशन, यूजर फॉर्म, अदर एप्लीकेशन हैंडबिल्डिंग, रिपोर्ट ऑटोमेशन विद वीवीए एंड आउटलुक कनेक्टिविटी, ये सब किया जाएगा। 35 डेज की क्लास होगी, डेली 1 घंटा दी जाएगी, ऑनलाइन लाइव डायरेक्ट मेरे साथ। 80% का इसमें डिस्काउंट है, और ये मॉर्निंग 6 बजे का बैच मिलेगा, वो भी स्टार्ट 1 तारीख से स्टार्ट होने वाला है। तो इसमें 10 लोगों की लिमिटेड सीट है, तो फटाफट क्या करें अपनी सीट को बुक कर लें। तो बुक करने के लिए मुझे इस नंबर पर कॉल करें और अपनी सीट बुक करें। थैंक यू।